मैं सारे पेरेंट्स से सबसे मैं जानता हूँ कि सबके मन में गुस्सा है, सबके मन में इनसिक्योरिटी है, लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी तरह का कोई ऐसा स्टेप ना ले इस गुस्से में जिससे आपके ऊपर कोई एक्शन हो। हम अपनी बात इस देश की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं सबके पास तक पहुंचा सकते हैं और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचा सकते हैं। मेजॉरिटी में जब हम कोई चीज़ गवर्नमेंट के सामने किसी भी अथॉरिटी के सामने रखते हैं तो वो ज़रूर उस पर एक बार गौर करती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग किसी भी तरह का हिंसा, किसी भी तरह की तोड़ फोड़ इन चीज़ों से बचें और शांतिपूर्ण ढंग से आप अपनी बात रखें, प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना करें। प्लीज़ मैं आप लोगों से सबसे सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ कर ये विनती करता हूँ। जिस तरह का घटनाक्रम था उसमें मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, इसलिए हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट गए थे। हमने माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया था कि इस घटना का खुद मॉनिटरिंग करें और इसकी निष्पक्ष और बिल्कुल इन डेप्थ जाँच कराएँ, कराने के लिए जो भी एक्शन उनको उचित लगता है वो लें। जिसके रिस्पॉन्स में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, उन्होंने इस मामले की सेंसिबिलिटी को समझा है, बच्चों की सिक्योरिटी से जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं आए दिन उस पर उनकी भी चिंता है और उन्होंने इस मामले को बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया और इस पर बहुत जल्दी उन्होंने नोटिस भी जारी किया है सारी कंसर्न बॉडीज़ को। जो अभी हमारे देश में कंसर्न बॉडीज़ हैं चाइल्ड सेफ्टी एजुकेशन से लेकर, उनको नोटिस जारी किया है और उनसे बहुत जल्दी जवाब मांगा है, तो मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ और मैं अपनी न्यायपालिका पे विश्वास रखता हूँ। पीछे जैसे एग्जांपल्स अपनी कंट्रीज़ में सेट हुए हैं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से न्यायपालिका ने इस पे रिएक्ट किया है अब कहीं ना कहीं बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और मेरे हिसाब से सारी चीज़ें खुल के स्पष्ट रूप से सामने भी आ जाएंगी। मैं अभी जिस स्थिति में हूँ मैं बहुत ज़्यादा आपके न्यूज़ भी नहीं सुन पा रहा हूँ किनका क्या स्टेटमेंट लेनी है। मैं अभी सिर्फ इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जो सारे पेरेंट्स की वरी है, जो सबका वॉइस है, वो एक कलेक्टिव वे में सारी अथॉरिटीज़ के पास जाए और वो उसके प्रति कुछ करे, नियम कानून बनाए, ताकि इस चीज़ की जिस तरह की घटना हुई है वो दोबारा रिपीट ना हो।